आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है और इसमें PQRS हमको करेक्टली आइडेंटिफाई करने हैं और दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं अपनी बकल कैविटी के थ्रू, जो भी इंजेस्ट करते हैं, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होता हुआ फिजिकल और केमिकल कई तरह की प्रोसेसेस से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन्स के डाइजेशन को अगर देखें तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारे स्टमक के अंदर। तो स्टमक में हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है डाइजेशन के लिए, उसमें एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन नाम का, जिसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको लो पीएच की जरूरत पड़ती है या एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर रिलीज हुआ स्टमक में ये इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन एसिडिक पीएच इसको मिल जाता है क्योंकि स्टमक में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है। तो इससे ये हमारा पेप्सिनोजेन जो एंजाइम था ये एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन्स के डाइजेशन को शुरू कर देता है। तो यहाँ पे प्रोटीओस और पेप्टोन ये जो टर्म्स दी हुई हैं, ये असल में प्रोटीन के डाइजेशन में भी एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि पूरी तरह से तो अभी डाइजेशन हुई नहीं है, डाइजेशन कंप्लीट तो स्टमक में नहीं होती, इंटेस्टाइन में होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से पार्शली हाइड्रोलाइज्ड या पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं। जो कैसे डाइजेस्ट हुए, हमारे स्टमक में पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम सिक्रीट हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में था लेकिन एसिडिक पीएच की वजह से एक्टिव हो गया और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करके इसने प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स बना दिए। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये जो पी एंजाइम दे रखा है इसके लिए कौन सा करेक्ट मार्क करना है, स्टमक में ये एक प्रो एंजाइम की स्टेज पे यानी एक इनएक्टिव स्टेज में रिलीज हो रहा है और एसिडिक पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमारा पहला एंजाइम जो दिया है ये एक गैस्ट्रिक एंजाइम है। इसके बाद खाना आगे बढ़ता है तो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हम देखते हैं कि कई सारे अगेन डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर आ जाते हैं और पेनक्रियाज नाम की हमारी जो ग्लैंड होती है वो भी अपने जूसेस यहाँ पर सिक्रीट कर देती है, पोर कर देती है इंटेस्टाइन में, जिसमें अगेन कई सारे प्रो एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, इसके बाद प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस तरह के कई सारे प्रो एंजाइम्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाते हैं और पर्टिकुलरली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम है हमारे पेनक्रियाज में से निकलने वाला वो है ट्रिप्सिनोजेन, जो कि पहले इनएक्टिव स्टेज में ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में आता है लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में एक एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम इसको मिल जाता है जो कि इसको एक्टिव करके इसको ट्रिप्सिन बना देता है ताकि फर्दर जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन ये कर सके। तो यहाँ पर जो फर्दर पेप्टोन्स से आगे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम हमारे प्रोटीन्स को वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में पहले इनएक्टिव था फिर एंटेरोकाइनेज ने हमारे इंटेस्टाइन में उसको एक्टिव कर दिया। तो ये अगेन यहाँ पर सही लिखा है, पेनक्रियाज प्रो एंजाइम के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है और इंटेस्टाइनल एंजाइम एंटेरोकाइनेज जिसका हमने नाम बताया इसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिर हम अगली स्टेज पे जाएंगे डाइजेशन के, तो इंटेस्टाइन के भी कई सारे सेल्स अपनी सिक्रीशंस डालते हैं। ये तो हम पेनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे थे लेकिन हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन में भी सिक्रीशन करने वाले ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं और इसके अलावा इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है, जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, वो भी सिक्रीशंस करता है एंजाइम्स की ताकि डाइजेशन पूरी हो सके। तो हम देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगेन कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन्स के केस में कौन से काम आएंगे, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड हमें मिल गए, हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस तरह के एंजाइम्स की वजह से। तो लास्ट स्टेप जो डाइजेशन का होगा डाईपेप्टाइड से हमें पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स बनाने हैं, तो ये काम हमारा डाईपेप्टाइडेज एंजाइम कर देता है जो कि कहाँ पर रिलीज हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में ये सिक्रीट हुआ है और इसीलिए ये इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस या सकस एंटेरिकस का हिस्सा है। तो यहाँ पर अगेन इसके बारे में सही दिया हुआ है ऑप्शन सी में कि इंटेस्टाइन में ये एक्टिव स्टेट में रिलीज होता है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से जहां पर सभी एंजाइम्स को प्रोटीन की डाइजेशन में करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैसे? कि सबसे पहले तो हमें कह रहे थे कि प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये होता है हमारे स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजेन नाम का प्रोएंजाइम सिक्रीट होता है जो कि एसिडिक मीडियम में पेप्सिन बन जाता है और पार्शली प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर देता है। फिर आगे जाते हैं अपने इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में अगेन कई सारे इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि इन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स का ब्रेक डाउन करके पॉलीपेप्टाइड्स और फिर फर्दर डाइपेप्टाइड्स बना देते हैं। और फाइनल जो स्टेप है प्रोटीन्स के डाइजेशन में, ये क्या होता है, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम ब्रेक डाउन करके हमको अमीनो एसिड्स दे सकता है, ब्रेक डाउन करके हमको अमीनो एसिड्स दे देता है। और क्योंकि एंजाइम इंटेस्टाइन में हमारे सकस एंटेरिकस में एक्टिव स्टेट में ही रिलीज होता है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।